इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री शंकराचार्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस भिलाई, छत्तीसगढ़ के अग्रणी शिक्षण संस्थान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे एसएस शो में और मैं हूं आपके साथ अंशुल, जहां पर सत्येंद्र शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। कई ऐसे मुद्दे होते हैं जो राजनीतिक गलियारों में या सामाजिक गलियारों में कहीं ना कहीं गर्म होते हैं, लेकिन उन मुद्दों की हकीकत क्या होती है, कितनी सच्चाई होती है उनमें, सत्येंद्र शुक्ला जी हमें यहाँ पर बताते हैं। तो हमें जो पहला सवाल है वो रायपुर से आया है, जो अनीता शर्मा हमें लिखती हैं कि पाकिस्तान में चुनाव के बाद इमरान खान नए पीएम होंगे, क्या अब कश्मीर का मुद्दा हल होगा? देखिए, पड़ोस में जो पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ है जी, इसकी राह बहुत दिनों से भारत में भी देखी जा रही थी। इमरान खान जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनकी जो एक पहचान है और उनकी जो एक इमेज है वो इनके जो पहले प्रधानमंत्री रहे उनसे बहुत अच्छी है, कहीं अच्छी है। एक सुलझे हुए व्यक्ति के रूप में, एक जुझारू व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं जी, और जो वो कहते हैं वही करते हैं। उनकी करनी और कथनी में अंतर ज़्यादा होता नहीं है, जिस तरह के व्यक्ति इमरान खान अभी तक समझे जाते हैं। अब 22 साल के संघर्ष के बाद वो सत्ता में पहली बार आए हैं और संभवतः वे प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं समझता हूँ सीधे कश्मीर समस्या पे आने से पहले, देखिए कश्मीर, भारत और पाकिस्तान के बीच दो तीन समस्याएं हैं। एक तो सीमा का विवाद है, जिसको अपन कश्मीर समस्या कह लें या सीमा विवाद कह लें। इसके अलावा भी आपकी बातचीत ही बंद है। पहले तो आके जैसा कि उन्होंने संकेत दिया, उन्होंने जो प्रेस पीसी करी थी उसमें उन्होंने कहा था कि हम भारत से बातचीत करेंगे और भारत इसमें बड़प्पन दिखा के आगे आए तो इस मुद्दे को सुलझाने में बहुत आसानी होगी। पहले तो इसमें बातचीत की जाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, देखिए चीन और भारत के बीच भी सीमा का ही विवाद है, लेकिन चीन के साथ भारत का व्यापार इतना बड़ा है कि वो जो सीमा का विवाद है वो कहीं ना कहीं जाके छोटा हो जाता है और उसको बहुत सहानुभूति से और बहुत अच्छे कूल माहौल में उसको सुलझाने की कोशिश होती है। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले बातचीत हो और पाकिस्तान से व्यापार बढ़ाया जाए। व्यापार जितना आपका बढ़ेगा, देखिए अर्थ की कीमत है आज के युग में, अर्थ की कीमत है, जितना आपका व्यापार बढ़ेगा, इधर बातचीत इधर व्यापार बढ़ाएं और फिर धीरे धीरे से इसके बाद कश्मीर समस्या और लाइन ऑफ कंट्रोल जो अपनी है सीमा सुरक्षा, इस पे बात की जाए। और मैं समझता हूँ इमरान खान के आने से बहुत उम्मीद है कि इस मसले तक पहुँचा जा सकता है और इसको ख़त्म किया जा के मतलब इसको सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि इमरान खान जो हैं वो सेना के, देखिए सेना के समर्थन से ही जीत के आए इमरान खान, तो सेना का जो विश्वास है वो इमरान खान पे है। और इमरान खान ऐसी शख्सियत है, उनमें ऐसी काबिलियत है कि वो सेना प्रमुख को, सेना को कन्विंस कर सकते हैं इस मामले में कि दोनों देशों की भलाई शांति पर है। मतलब आपका जो अपने बॉर्डर पर कोई सीज फायर जो है वो बराबर रहे, बातचीत चलती रहे, व्यापार बढ़े और उसके बाद फिर कश्मीर समस्या सुलझे। चलिए अनीता, तो आपके सवाल का जवाब यहाँ पर मिल गया होगा। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, जो कि सपना इंदौर से हमें लिखती हैं कि छिंदवाड़ा में आरोपी को पकड़ने के लिए गए एएसआई की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है, क्या दर्शाता है वर्दी का खौफ कहीं ना कहीं खत्म होता गया है? जी निश्चित रूप से कानून का खौफ जिन लोगों ने किया है उनके अंदर था नहीं या कम था, तभी तो ऐसी घटना को उन्होंने अंजाम दिया है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हमेशा सामने आती रहती है इस तरह की घटना। इसमें एक चीज और देखनी होगी, आप देखिए आज नहीं तो आगे ये बात निकल के आएगी, वो जो लोग भी थे, जो भी अपराधी हैं, इनके पीछे किसी न किसी राजनीतिक व्यक्ति का संरक्षण होगा। अदरवाइज किसी आम आदमी में इतनी हिम्मत, इतना साहस नहीं है कि वर्दी में एएसआई को मारे और उसको जो उसके साथ हल किया है, मतलब उसको जो आरक्षक भी गए थे साथ, हाँ आरक्षक उन सबके साथ जो मारपीट करी है। जनरली पुलिस से कोई तू तड़ाक से भी बात नहीं करता या बदतमीजी से भी बात नहीं करता था, ये पुलिस की इमेज है। लेकिन जो उन्होंने किया है, या तो सत्ताधारी पार्टी या विपक्षी पार्टी, किसी ना किसी के बड़े नेता से ये अपराधी डायरेक्ट, मतलब उनका संरक्षण है, इनके पीठ पर उनका हाथ है, उनको वरदहस्त प्राप्त है, तब इनके इतने हौसले बढ़े हैं कि उन्होंने ये किया है। ये बहुत ही दुखद है, कानून के रक्षकों पर वर्दी में होते हुए उनके ऊपर हाथ उठाना बेहद गलत है। ये जो भी हुआ है गलत है, इसमें जो भी दोषी हैं उनको तत्काल इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके इनको जेल में बंद करना चाहिए। बिहाइंड द बार से जितनी जल्दी हो जाएंगे उतना अच्छा है। तो कार्रवाई भी इस तरह की करनी चाहिए कि दोबारा ऐसी घटनाएं जो है वो सामने ना आए, कम से कम ऐसा वर्दी का खौफ जो है वो कम से कम बना रहे। कानून का खौफ अगर नहीं होगा तो फिर उसका मतलब क्या है? बिल्कुल, और इस तरह की घटना रिपीट ना हो सरकार को ये देखना होगा, इसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई। चलिए सपना, आपको भी आपके सवाल का जवाब यहाँ पर मिल गया होगा। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, धामनों से लोकेश यादव हमें लिखते हैं कि चुनावी साल में सीएम का दिग्विजय सिंह को देशद्रोही कहना क्या दर्शाता है, क्या दिग्गी प्रदेश सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं?
देखिए किसी भावावेश में आके वो एकदम से ये चीज़ कह गए। एक्चुअली जो दिग्विजय सिंह के पूर्व में जो बयान रहे हैं, वो ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कह देना, हाफिज़ सईद को हाफिज़ जी इस तरह से कह देना, और अपने बॉम्बे वाला एक कांड हुआ था उसमें भी उन्होंने जो सवाल उठाए थे, बाद में वो लोग बाइज्जत भरी हुए हो गए थे। कोई एक कांड था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, 26/11 के बाद एक कांड हुआ था उसमें। अच्छा। तो उस इनकी इस छवि को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो देशद्रोही कह दिया, हालांकि देखिए देशद्रोही शब्द गलत है जी, वो कोई भी उनका जो कथन है वो विचारधारा के विपरीत हो सकता है, आपकी जो विचारधारा है उससे वो मैच ना खाए, ये तो हो सकता है। दिग्विजय सिंह देशद्रोही नहीं है, कम से कम वो देशद्रोही नहीं, तो ये कुछ ज्यादा भावावेश में आके मुख्यमंत्री बोल गए हैं। इसी तरह कमलनाथ जी के लिए भी उन्होंने पहले बोल दिया था और कमलनाथ जी ने भी उनके लिए बोल दिया था, ये भावावेश में आके बोल गए हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। अब चुनावी वो है तो उन्होंने भी इसको इसका हथियार बना लिया कि आपको याद है मौत के सौदागर जो अपने गुजरात के उसमें मोदी जी ने जब सोनिया जी ने बोला था मौत के सौदागर, तो उसको पूरा हथियार बना के पूरा चुनाव उन्होंने एक तरफा करके और चुनाव को जीत लिया था। तो दिग्विजय सिंह ने भी वही किया है, वही करने की कोशिश की है कि उन्होंने इसको मुद्दा बनाया और आके उन्होंने अपनी गिरफ्तारी देने के बहाने जो उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया, ये वाकई उनका इसके बहाने शक्ति प्रदर्शन ही है। और जिस तरह से उन्होंने किया और जिस तरह से भीड़ उमड़ी वो लाजवाब थी, काफ़ी भीड़ उनके मतलब फेवर में आई। और मैं समझता हूँ कि देश विरोधी भी नहीं कह सकते हम दिग्विजय सिंह को, देशद्रोही तो बड़ी बात है जी। तो मतलब देखा जाए जैसे कि चुनाव नज़दीक जैसे जैसे आते जा रहे हैं, तो जो हथियार जिन्हें समझ में आ रहा है वो आरोप प्रत्यारोप के दौर के सिलसिले वार चलते हुए एक दूसरे पर वार करते रहते, इससे ज़्यादा अभी आपको देखने को मिलेगा। और चुनाव आयोग को इसमें संज्ञान लेके, और आप देखिए तो शिकायतें भी खूब होंगी, चुनाव आयोग अगर थोड़ा सा सख्त हो जाए तो इस तरह की जो बातें हैं, जो ये जुमलेबाजी है, जो शगुफेबाजी है, ये रुक सकती है, लेकिन इसमें चुनाव आयोग को सख्त होना पड़ेगा जी। तो चलिए लोकेश, आपको भी आपके सवाल का जवाब यहाँ पर मिल गया होगा, बढ़ेंगे अगली सवाल की ओर। अमित तिवारी भोपाल से हमें लिखते हैं कि दिग्विजय गिरफ्तारी देने टीटी नगर थाने पहुंचे और इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता उनके साथ दिखे, तो क्या समझा जाए ये एक तरह का शक्ति प्रदर्शन ही था? जी बिल्कुल, अभी जैसे बताया कि शक्ति प्रदर्शन ही था, ये दो तरह से शक्ति प्रदर्शन था, एक तो विपक्ष के लिए जो उनके लिए कहा गया उसके लिए उन्होंने जो रोष प्रकट किया और उनका आपके मेरे खिलाफ सबूत लाइए और मुझे गिरफ्तार करिए, बिल्कुल, क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत है नहीं, देशद्रोही वो है नहीं, तो ये चीज़ संभव नहीं थी। और दूसरा ये विद इन ए पार्टी कांग्रेस के अंदर की जो राजनीति है, ये उसमें भी उन्होंने जो शक्ति प्रदर्शन किया है, देखिए इस शो के माध्यम से पहले भी बताया जा चुका है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है और जब तक कोई भी मुख्यमंत्री शपथ नहीं ले लेता तब तक दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं जी। और मध्य प्रदेश के बारे में जितना वो जानते हैं, जितना वो समझते हैं, मध्य प्रदेश में जितनी उनकी पकड़ है वो अभी वर्तमान में किसी नेता की है नहीं, लेकिन संयोग से उनका जो 10 साल का शासन था, जो कुशासन था, वो उसके लिए भी इतने बदनाम हैं कि उनका नाम आते ही ऐसा लगता है जैसे तश्तरी में रख के सत्ता बीजेपी को दे दी जाएगी, क्योंकि उनके टाइम में जो रोड की स्थिति थी, जो बिजली की, पानी की, हर चीज़ की स्थिति इस प्रदेश में बद से बदतर थी, मतलब तो लोग कहते थे कि प्रदेश 18वीं शताब्दी की तरफ बढ़ रहा है, उस तरफ जा चुका है। तो एक वो इमेज जो है वो 15 साल में भी अभी जनता भूली नहीं है, तो जैसे ही दिग्विजय सिंह का नाम आता है तो जनता को बीजेपी को याद दिलाने की कोशिश करने लगती है कि इनके शासन में ये हुआ था। और लेकिन ये भी हकीकत है कि मध्य प्रदेश के बारे में कांग्रेस में जितनी जानकारी और जितनी पकड़ उनकी है वो किसी और को नहीं है, इसलिए शायद उनको पीछे रख के कमलनाथ जी और सिंधिया जी को आगे रखा गया है कि ये मतलब ये पीछे से काम करें और ये लोग आगे होके काम करें और किसी तरह सरकार बना ली जाए। बिल्कुल निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह का शक्ति प्रदर्शन। चलिए अमित, आपको भी आपके सवाल का जवाब यहाँ पर मिल गया होगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी बने रहे हमारे साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री शंकराचार्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस भिलाई, छत्तीसगढ़ के अग्रणी शिक्षण संस्थान। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप ही के सवालों के साथ हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सत्येन शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आप ही के द्वारा दिए गए सवालों का तथ्यों के साथ में यहाँ पर बता रहे हैं। तो हमारा अगला सवाल जो है वो मॉब लिंचिंग को लेकर है। सर, मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं पर देश आहत है और आखिर में सुप्रीम कोर्ट में इसको संज्ञान देना पड़ा, कैसे देखते हैं आप इसे? बेहद दुखद है, बेहद दुखद है
जब से ये सरकार बनी है मोदी जी की, तो ज़्यादातर प्रदेशों में जो बीजेपी की सरकार बनी है, इसमें गोरक्षा के नाम पर भीड़ तंत्र इकट्ठा होता है और व्यक्ति विशेष या पर्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ आप उसमें हमला कर देते हैं, आप उसको मारते हैं, उसको घायल कर देते हैं जी। ये ठीक नहीं है। मॉब लिंचिंग इस देश में पहले भी होती रही है, लेकिन इस तरह से नहीं हुई है कि गोरक्षा के नाम पे आप कानून अपने हाथ में ले लेंगे, और दूसरी तरफ गोरक्षा के अगर आप बात करेंगे, उसकी हकीकत की बात करेंगे, तो वहाँ स्थिति इसके ठीक उलट है। अभी कल की न्यूज थी कि 35 से 36 गायें उत्तर प्रदेश में मर गई हैं। आपके पास जो गायें हैं उनको आप, अगर आप वाकई गौ सेवक हैं, तो जो आपके पास गौशाला में गायें हैं आप उनकी सेवा करिए। वहाँ पे देखिए कि कोई गाय इस उस मतलब चारे के अभाव में या बीमारी के उसमें मरे ना, ये देखना गोरक्षकों का काम है, ना कि किसी ट्रक में कौन कहाँ गाय जा रही हैं, कैसे जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं। आप देखते हैं, अगर वो कोई चीज़ आप पकड़ते हैं अच्छी बात है, यहाँ तक कोई बुराई नहीं है, लेकिन पकड़ने के बाद आप उसको भीड़ का रूप करके जो भी उसमें पाए जाते हैं ट्रक में, जो भी व्यक्ति पाए जाते हैं, आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करिए, उनके ऊपर हाथ ना उठाइए। आपने ट्रक पकड़ लिया, बहुत अच्छी बात है, उन लोगों को पकड़ के रखिए, संबंधित थाने को सूचना दीजिए, कानून अपना काम करेगा। कानून जो आप गोरक्षा के नाम पर अपने हाथ में ले रहे हैं, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और अल्टीमेटली देखिए, सुप्रीम कोर्ट को इसमें संज्ञान लेना पड़ा और गृह मंत्रालय को इसमें एडवाइजरी जारी करनी पड़ी है, और सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के बाद पूरी केंद्र सरकार हरकत में आई है और उन्होंने बहुत इसके ऊपर कड़े, यहाँ तक कि कानून बनाने तक की इसमें बात हो रही है कि इसके लिए कानून बनाया जाएगा। क्योंकि भीड़ तंत्र देखिए, ये बहुत ठीक नहीं है लोकतंत्र में कि आप भीड़ में इकट्ठे हुए 25-30-50 आदमी, अभी स्वामी अग्निवेश के साथ भी आपने ये किया, आपकी विचारधारा उनसे मैच नहीं खाती, और फिर बाद में ये बताया गया कि उन्होंने एक ऐसा भाषण दिया था कि जो अमरनाथ की गुफा है वो वहाँ पे, तो जो शिवलिंग बनता है वो सिर्फ एक बर्फ है, वो अमरनाथ नहीं है, वो भगवान नहीं है। देखिए ये उनकी विचारधारा, ये देश में लोकतंत्र है, यही इस देश की खूबसूरती है कि हर विचारधारा के लोग यहाँ पे अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं और अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, यही खूबसूरती है इस देश की। इसको अगर आप मिटाएंगे तो कैसे काम चलेगा। स्वामी अग्निवेश ने ये कहा था तो उसकी आलोचना करने का आपको अधिकार था, उसके बहुत सारे रास्ते थे। ये कोई तरीका नहीं है कि आप 35-40-50 लोग इकट्ठे हो गए, जय श्री नाम के आपने नारे लगाए और उनको आपने मारा। वो भी देखिए इसी देश के नागरिक हैं और अपनी बात रखने का उन्हें भी हक है। एक तरीका आप उसमें आलोचना करिए उनकी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मॉब लिंचिंग मतलब बहुत ही दुखद है, इसको बढ़ना नहीं चाहिए, और सरकार में समझता हूँ अगर इसमें कानून बनाएगी तो बेहतर होगा। बिल्कुल, तो संदीप आपको भी आपके सवाल का जवाब यहाँ पर मिल गया होगा। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। कुलदीप सिंह भाटिया इंदौर से हमें लिखते हैं कि ट्रांसपोर्टर की हड़ताल का असर दिखने लगा है और ज़रूरी सामान की कमी यहाँ पर होने लगी है, शक्कर के रेट इसी के चलते यहाँ पर बढ़ाए गए हैं, तो सरकार इसके बीच रास्ता क्यों नहीं खोज रही है। कुछ दिनों से हम देख रहे थे यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टर हैं, या चुनावी साल जैसे जैसे आ रहा है, हर वर्ग का जो कर्मचारी वो हड़ताल पर बैठ रहा है, तो उसी के बीच ट्रांसपोर्टर की हड़ताल हालांकि अभी खत्म हो गई है, लेकिन उसके बाद की जो भी चीज़ें हैं, लेकिन आश्वासन उन्हें तो कुछ भी नहीं दिया गया है, तो उस पर आप क्या बोलेंगे जी। अभी देखिए सुखद इसमें यह है कि ये हड़ताल खत्म हो गई है जी, क्योंकि इस हड़ताल का सीधा असर जो है वो जनता पर पड़ रहा था। और ये हड़ताल ट्रांसपोर्टरों ने क्यों की थी, वो इसलिए की थी कि पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं वो कम किए जाएं। तो देखा जाए तो जो उनकी हड़ताल है वो जस्टिफाइड थी, उन्होंने सिर्फ पेट्रोल और डीजल के दामों के लिए की थी, ना सिर्फ अपनी कमाई के लिए की थी, बल्कि उनका भी कहना ये था कि इससे जो है पूरा डीजल के बढ़ते इसका असर पूरे उसमें होता है और हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। तो आप जो डीजल और पेट्रोल के भाव जो कि वास्तव में अभी ज़्यादा हैं, आज की तारीख में कम से कम 10-10 रुपये दोनों चीज़ों को कम होना चाहिए, और कभी ये GST के दायरे में आ गए तो आप मान के चलिए कि 50 के आसपास इसका रेट आने वाला है, 50-55 के आसपास इसको आने वाला है। तो हड़ताल भी उनकी जस्टिफाइड थी, लेकिन इसको गडकरी जी ने और दूसरे नेताओं ने जिस तरह से हैंडल किया और हड़ताल को ख़त्म करा लिया, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन अब हड़ताल खत्म होने का मतलब ये नहीं कि आप उनकी मांगों पे विचार ना करें, आप उनकी मांगों पे विचार करिए। उन्होंने जनता के मद्देनजर अपने कदम जो है हड़ताल से पीछे खींचे हैं, तो आपको भी अब उनका सम्मान करना चाहिए, और जो उनकी मूल मांग है पेट्रोल और डीजल उसको आपको तत्काल कम करना चाहिए। सरकार से बार बार विनती और निवेदन यही है कि सरकार डीजल और पेट्रोल के दाम कम करे जी। चलिए कुलदीप, आपको भी आपके सवाल का जवाब यहाँ पर मिल गया होगा। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, जहाँ पर रीना शर्मा हमें लिखती हैं, मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा को किस तरह से देखा जाए, क्या ये भी चुनाव को देकर ही निकाली जा रही है। बिल्कुल, 3 महीने बाद चुनाव है, चुनाव को लेकर ही जन आशीर्वाद। जन आशीर्वाद वो किस रूप में मांग रहे हैं, वोटों के रूप में मांग रहे हैं कि जन जन के पास जा रहे हैं, जन उन्हें वोट के रूप में आशीर्वाद दे, यही उनकी आकांक्षा है। और
पुनः मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा है जिसके चलते वो जनता में गए हैं। अगर आपने 15 साल में अच्छे काम किए होंगे तो आपका आपको इसका प्रतिसाद मिलेगा, जनता आपको इसका प्रतिसाद देगी, आपको आशीर्वाद देगी, पुनः सत्ता में बिठाएगी। लेकिन अगर आपके काम से जनता चिढ़ी हुई होगी, जैसे किसान हैं, महिला हैं, बेरोजगार हैं, और जिस तरह के मुद्दे हैं, अपना एजुकेशन का मुद्दा है, हेल्थ का मुद्दा है, किसी भी मुद्दे पर अब जो है मध्य प्रदेश की सरकार का जो तीसरा कार्यकाल है, मैं समझता हूँ ये पिछले दो कार्यकालों की तुलना में मैं उसको बहुत खराब कहूंगा। 10 में से ये 3 या 4 नंबर वाला कार्यकाल है, आप ये समझिए। इनका पहला कार्यकाल और दूसरा कार्यकाल बहुत अच्छा था। एक्चुअली क्या होता है, एक ही व्यक्ति होता है, शिवराज सिंह चौहान यहाँ 10 साल 11 साल से लगातार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उनके अंदर जितनी सोच थी, जितनी समझ थी, जितना उनके अंदर ऊर्जा थी, उतनी ऊर्जा से काम करके अपनी समझ को, अपनी सोच का इम्प्लीमेंटेशन वो कर चुके हैं। अब उनको नए आइडियाज के साथ आना पड़ेगा, ये कंप्यूटर का युग है, उनको अपने हिसाब से उसको बदलना पड़ेगा। सिर्फ किसान पे फोकस करके या सिर्फ बेरोजगारों पे फोकस करके काम नहीं होगा। अब आपको किसानों की, महिलाओं की, बेरोजगारों की, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर नीति पर आपको काम करना पड़ेगा। और प्रदेश को विकसित बनाने के लिए, जैसा कि आपका दावा है कि हम विकसित बनाएंगे, हर मोर्चे पर कंप्यूटर में, टेक्नोलॉजी में बहुत सारे आपको काम करने की अभी ज़रूरत है। जहाँ मध्य प्रदेश अभी बहुत पीछे है, 26 अपने प्रदेशों में समझता हूँ, कई चीज़ों में मध्य प्रदेश 15 से नीचे नंबर पे है, 10 से नीचे नंबर पे, तो बहुत काम करने की ज़रूरत है। काम के तरीके को अब बदलना पड़ेगा, इस हिसाब से अब शिवराज जी को काम करना पड़ेगा, तब जन आशीर्वाद इनको मिलेगा। और अब देखिए आगे देखा जाएगा कि अब जनता सत्ता में परिवर्तन करती है या इनको ही बनाए रखती है, तो आने वाला समय बताएगा। जी, तो चलिए रीना, आपको भी आपके सवाल का जवाब यहाँ पर मिल गया होगा। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी बने रहिए हमारे साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री शंकराचार्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस भिलाई, छत्तीसगढ़ के अग्रणी शिक्षण संस्थान। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका, आप ही के सवालों के साथ हम यहाँ पर फिर से मौजूद हैं। तो सर, जो अगला हमारा सवाल है वो विदिशा से लखनऊ में लिखते हैं कि मध्य प्रदेश में जुड़ा हड़ताल पर थे और उससे स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई थी, जबकि हाईकोर्ट ने इस हड़ताल को अवैध करार दिया था, लेकिन फिर भी ये लोग अड़े हुए थे। देखिए चुनावी मौसम है और जिस तरह से हर वर्ग हड़ताल के माध्यम से अपनी मांग मनवाने की कोशिश कर रहा है, उसी तरह का कदम जूनियर डॉक्टर्स ने उठाया। जी, मैं समझता हूं कि जूनियर डॉक्टर्स का ये कदम ठीक नहीं था जी। और हाईकोर्ट ने भी यही फैसला दिया, हाईकोर्ट ने भी ये कहा है कि आप अपने कदम पीछे ले लें। देखिए जूनियर डॉक्टर्स जो हैं, आप जहां पे जुड़े हुए स्वास्थ्य सेवाओं से, आपकी जरा सी एब्सेंस से किसी की जान जा सकती है, मौत हो सकती है, और वो हुआ भी, कुछ मामले से आए कि जहाँ पे लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। और इनकी हड़ताल भी इतनी जस्टिफाइड नहीं थी, इनकी जो मांगे थी वो परस्पर बातचीत से हो सकती थी। और अंत में देखिए सरकार ने जब कड़ा रुख अपनाया, जब एस्मा लगाया, तो इनके ऊपर जब कार्रवाई की बात आई तो ये लोग हड़ताल से पीछे हट गए, आज हड़ताल तोड़ दी और ऊपर से लिखित में जूनियर डॉक्टर से माफ़ी मांगी है जी। कम से कम ये एक अच्छी चीज़ हुई है कि उन्होंने अपनी गलती को स्वीकारा और लिखित में उन्होंने माफ़ी मांगी। आगे से जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल में जाने से कम ये देख लें, एक उसका मानवीय पहलू भी देखें, आप लोग समाज के रक्षक हैं, आप समाज में जो बीमार लोग हैं आप उनके लिए भगवान के समान हैं। डॉक्टर भगवान के बाद अगर किसी का दर्जा है नीचे तो वो डॉक्टर है। डॉक्टर आपको मौत के मुंह से बचा लाता है, या डॉक्टर ये जिसकी एब्सेंस में या जिसकी लापरवाही से आप मौत के मुंह में जा सकते हैं। तो इनको 10 बार सोचना चाहिए कि हम हड़ताल कर रहे हैं, इसका असर क्या होगा और हमारी एक्चुअली मांगे क्या हैं। जो आपकी लीगल और जेन्युइन मांगे हैं वो सरकार कभी भी मना नहीं करती, आप उसको दूसरे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे कि आप अपनी मांगे मनवा सकते हैं। लेकिन आपने भी दूसरे वर्ग की तरह ये देखा कि हम भी हड़ताल करेंगे, हमारी मांगे मान ली जाएंगी, ये चीज़ गलत है। गलत समय पर लिया गया जूनियर डॉक्टर्स का गलत डिसीजन था, लेकिन कहते हैं कि अंत भला सो सब भला, उनको अपनी गलती का एहसास भी हो गया, उन्होंने माफ़ी भी मांग ली, अंततः हड़ताल खत्म हो गई, ये चीज़ अच्छी है और इसी तरह से चलना चाहिए। जी, तो चलिए आपको भी आपके सवाल का जवाब यहाँ पर मिल गया होगा। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, जो कि कंचन राज भोपाल से हमें लिखते हैं कि लगातार देखने में आ रहा है दुष्कर्म के मामले बढ़ते जा रहे हैं और ग्वालियर के मामले में आरोपी को फांसी की सज़ा सुनाई गई है, वो भी मात्र 13 दिनों के अंदर। तो क्या लगता है आपको, ये सकारात्मक तौर पर इस दिशा में हम बढ़ रहे हैं? देखिए जब 13 दिन में फांसी की बात कहेंगे तो ये बिल्कुल सकारात्मक है जी। जितना कानून कड़ा होगा उतना ही इस तरह की घटनाओं पे अंकुश लगेगा जी। लेकिन पूर्व में भी इस शो में बताया जा चुका है कि
ये जो इस तरह की घटनाएं हैं इस पे 100% अंकुश नहीं लग सकता जी। आप किसी भी उसमें चले जाइए काल में, इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, ये कोई मतलब इसको ये कमी लाई जा सकती है कानून का खौफ पैदा करके, जैसे कि 13 दिन में फांसी दे दी। अब इसका बहुत फर्क पड़ेगा, आदमी अब इस तरह का अपराध करने से पहले 10 बार सोचेगा कि 13 दिन में फांसी, 1 महीने में फांसी, कई फैसले आए 28 दिन में फांसी दी गई थी इसके पहले, 32 दिन, 45 दिन। अब आप समझिए कि महीनों का काम भी नहीं रह गया, दिनों में आ गया है मामला, कि दिनों में कोर्ट में केस पुट अप हो जाता है, उसके खिलाफ चालान पेश होने के बाद 13 दिन, 15 दिन, 28 दिन, 40 दिन, 45 दिन में फांसी तक की सजा होने लगी है। ये बहुत अच्छा कदम है सरकार का, इसी तरह से सरकार को आगे चलना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से 3 महीने के अंदर इस तरह के केसों का अगर निपटारा होने लगेगा तो आप देखिए ये घटनाएं अपने आप कम हो जाएंगी। और महिलाओं के खिलाफ ये होना बेहद दुखद है, मध्य प्रदेश में पता नहीं किस कारण से घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और इस पर रोक नहीं लग पा रही है। लेकिन अब जिस तरह से ये इसमें पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका काम कर रही है, आप शीघ्र देखेंगे कि इसमें कमी आएगी। मतलब कहीं ना कहीं ये मान लिया जाए कि दुष्कर्म की जो घटनाओं में एक तरह से जो इजाफा यहाँ पर हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस तरह के मामले से अगर निपटारा होगा तो इसमें कमी आ सकती है। बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। तो चलिए कंचन, आपको भी आपके सवाल का जवाब यहाँ पर मिल गया होगा। जगदलपुर से अंशी हमें लिखती हैं कि रामनाथ कोविंद छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे थे, जहां पर देश का पहला आदर्श गांव हीरानेर में आदिवासी बच्चों के साथ उन्होंने खाना खाया और एक मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण भी किया, क्या दर्शाता है? ये बेहद अच्छी परंपरा है। देखिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई केंद्रीय मंत्री या विधायक या सांसद जब किसी गांव में जाते हैं और दलितों के पास जाते हैं, उनके साथ बैठ के खाना खाते हैं, उनसे शेयर करते हैं, उनके पास रुकते हैं, उस चीज़ को समझते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए वर्षों से शोषित और वंचित समाज है ये, जिनको पूर्व में बहुत शोषित किया गया, कई चीज़ों से वंचित रह गया, हमने उन्हें मंदिर में नहीं जाने दिया, उनके कुएँ अलग कर दिए गए, इतनी छुआछूत और की गई कि बहुत मतलब शोषित और वंचित समाज है। इसके साथ अब जो ये हो रहा है, ये देखिए अब ये परिपाटी शुरू हुई है पिछले 10-12 सालों से, चाहे वो कांग्रेस के लीडर हों, चाहे बीजेपी के हों, किसी भी पार्टी के हैं, ये लोग जाते हैं, एक रात उनके यहाँ रुकते हैं, उनके यहाँ खाना खाते हैं, इसका संदेश बहुत अच्छा जाता है कि आज दलित और शोषित जो हैं सब हम एक ही समाज के अंग हैं, हम सब एक बराबर हैं, इसमें कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। हमारे यहाँ तो क्या था, हरिजन, अब हरिजन का मतलब आज की तारीख में दूसरा निकाला जाने लगा, हरिजन का मतलब गांधी जी का दिया हुआ शब्द है कि हरि जन, हरि के जन है ये, भगवान के जैसे सारे लोग हैं, जितने लोग हैं सब हरि के जन है ये, तो ये भी हरिजन, तो उसका मतलब ही देखिए आप किस परिप्रेक्ष्य में उसको लेने लगे थे, वो बदल ही गया था। तो इस तरह से ये जो किया है राष्ट्रपति जी ने, बहुत स्वागत योग्य कदम है, बहुत अच्छा कदम है, और ये निरंतर ये बड़े पोस्ट पर जो लोग बैठे हैं इनको ये करते रहना चाहिए, इससे समाज में जो एक रूपता, जो समरसता आती है वो अभूतपूर्व अद्वितीय है, बहुत स्वागत योग्य कदम है। तो अंशी, आपको भी आपके सवाल का जवाब यहाँ पर मिल गया होगा। तो फिलहाल के लिए ऐसे शो में इतना ही, अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात आप ही के द्वारा दिए गए सवालों के साथ। नमस्कार।